गुरु महाराज की हजूरी बैठी समूह साध संगत, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सिखां दा ते हकूमत, हिंदुस्तान की हकूमत का जिहड़ा रिश्ता सन 47 तो शुरू हो चुका है। सन 47 तो बाद हिंदुस्तान की हकूमत ने दसिया कि सिखो तुहाडी कानून के अंदर जां साडी निगाह के अंदर थोड़ी वैल्यू की है। जिंदा पता सानू 1984 31 अक्तूबर तो बाद पता लग्या कि साडी जिहड़ी वैल्यू है हिंदुस्तान की हकूमत के अंदर की है, उनके सामने की है। ता हिंदुस्तान का एक जज जिहड़ा जिसका नाम दयाल सी, जिसने जदों 84 का कांड होया ते उसके उत्ते बड़ियां मजाक भरियां टिप्पणियां कीतियां उस वक्त 3 दिन के उपर, ता किसी भी साडे सिख लीडर ने उनका विरोध नहीं किया। कारण की सी, असी सिर्फ एक MLA ते मिनिस्टर तो उत्ते साडी सोच नहीं जा सकी। हिंदुस्तान दे अंदर दस दिता गया कि सिखो तुहाडी जुडिशरी दे अंदर कोई वैल्यू नहीं, कोई जस्टिस नहीं मिलिया 38 साल दे अंदर। फिर उस तो बाद पंजाब शुरू हुंदा है, तां पंजाब च की है, इस साल फूल अदालत दे अंदर एक जज ने यह लफ्ज कहे कि यह सिखां दी किताब पाड़ दिती गई है, उस दे विच असी वकील सी। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया सी कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब है यह जीवित गुरु है, तो असी चीफ जस्टिस नूं ते इंस्पैक्टर जज नूं एप्लीकेशन दित्तियां उस जज के खिलाफ कि यह सिखां दा मजाक उड़ाया गया अदालत के अंदर, गवाहां दे नां पाए गए। पर अज तिकर 5-6 महीने हो गए ने, किसी भी चीफ जस्टिस या इंस्पैक्टिंग जज ने सानू कॉल नहीं किया। कारण की है, सानू हिंदुस्तान दी हर चीज ने सानू दसिया कि सिखो तुहाडे नाल तां इही होणा है। सो बड़ी शर्म वाली गल है कि जुडिशरी के अंदर भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं ते बाहर भी साड़ी कोई सुनवाई नहीं। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ FIR ਹੋਈਆਂ, 2015 'ਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ! ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਣਤ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ FIR ਫੇਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, सूरी मारिया गया, सूरी नूं मारन वाला सन्नी अरेस्ट हो गया, तां उहदे दोनों भरावां दीआं दुकानां साड़ दित्तियां गईआं, दुकानां लुट लईआं गईआं। FIR दर्ज होई, FIR च फिर अणपछाते आदमी पा दित्ते गए। जद मेरे कोल आए तां असीं एप्लीकेशन लिखी, उहदे विच वीडियो दिखा के पुलिस प्रशासन नूं, अमृतसर दे कमिश्नर नूं इह दिखाईआं कि आह बंदे ने जिन्हां ने दुकानां लुटियां ने अग लाई है। ओही जवाब जो 1984 दे विच आया सी कि यार एक कतल तो बाद तां इह वारदात हुंदियां ही हुंदियां। यार कानून च किथे लिखिया है कि एक मर्डर हो गया ते उहदे खिलाफ तुसीं किसे दीआं दुकानां साड़ दिओ? किते IPC जां CRPC च है? कोई प्रोविजन नहीं। पर एक सिखां दे लई है, एक सिख डिमांड करे ते उहदे खिलाफ इह चीज है। उह जो मर्जी करे, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ! ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
कि जो एक तुझे सरकार ने तो अगे भेजता पार्लीमेंट च उस तो बाद सौ जाना सी तुहाडा फर्ज नहीं सी बनता दिल्ली जाना इस गल ते प्रोटेस्ट करना कि सब तो वध उस धर्म की बेदबी हो रही है जिस धर्म ने तुहानू बचाउण दे लई सब तो वध कुर्बानियां कीतियां कोई सुनवाई नहीं कोई कुछ नहीं असीं किंतु परिंतु करदे आ ते उहनां बंदिआं ते करदे आ जिहड़े मोर्चे ला के बैठे ने एक साल तो एक आदमी इत्थे बैठा होया उन्दे खिलाफ असीं पोस्टां पाउणे आ यार शर्म आउणी चाहीदी तुहानू बोलण लग्गिआं दस दिन घर छड्ड के वेखो तुहानू पता लग जाएगा घर की चीज़ है ते बाहर बहना किन्ना औखा है सो मैं एक बेनती जरूर करूंगा कि मोर्चियां दे विच कई वारी अप डाउन हुंदा हुंदा जैतो दा मोर्चा लग्या उधरों गोलियां बजियां ने बंदे मर रहे ने ते दूसरी साइड ते आके सरकार ने झुके मंगा मनियां सी एही चाबियां दा मोर्चा लग्या एवें साडा कंध दा मोर्चा लग्या दिल्ली लग्या 1914-15 दे अंदर तां उत्थे वी अंग्रेजां ने तशद्दुद वी कीता ते गल्लबात दे नाल हल वी होए देखो जो भी हल होना है गलबात होना है यह नहीं होंगे कि मोर्चे जो दस दिन बंदे कोई नहीं गए तो आख्या मोर्चा नीवा हो गया यार मोर्चा नीवा किवें होगा मोर्चा तो माड़ा होगा जो मोर्चा छड़ के भजदा तो वह बंदा बैठा हो ना लोग खड़े ने कोई मोर्चा भजया नहीं जी सरकार है वह आपकी गलबात करे ना करे साढ़े नाल पर मोर्चा ज्यौदा ज्यौदा ही रहेगा कुछ बंदिया ने गल कही कि मोर्चे सानू कट्ठे कर लेने चाहिए ने बिल्कुल नहीं मोर्चा कट्ठा होना चाहिए कारण की आ इस मोर्चे की अरदास इत्थे होई सी यार असीं मोर्चा रेहड़ी च पा के लई फिरा करांगे पंजाब दे अंदर आ मोर्चा लैके उत्थे चल जाउंदा चुक के उधर तरफो असीं इसे काम लई रह गए इत्थे जिंदी अरदास जिहड़े मोर्चे की जिथे अरदास होई है यह मोर्चा इत्थे ही रहना चाहिए बाकी 14 अक्तूबर नूं स्पीकर कलतार सिंह संधवा इत्थे आउंदे ने यार की तुसी लीडरां ने मजाक बनाया यार गुरु ग्रंथ साहब दा ते आपदा ही बनाई जाने तुसी सोच के बोलो यार तुसी एक लीडर हो ओ गल करो जिहड़ी गल ते पूरे उतरना है 30 नवंबर तिकर अगर असी ना कुछ लिया सके तो असी जे कर देंगे मैं रिजाइन दे दूंगा किथे रिजाइन गया थोड़ा यार क्यों मजाक करदे हो क्यों दुनिया के उपर दस दो कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच एक आदमी बैठ के इना झूठ मारेगा कि यार सो एहो जे आदमियों का भी बाइकाट होना चाहिए साढ़े संविधान के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब को गल करो जी सिरे चढ़नी चाहिए बाकी फालतू गल करन दी इत्थे नहीं लो सो मेरी एक बेनती है मोर्चे का फैसला जो भी अज हो जिमें भी संगत करेगी सानू उवें तैयार रहना चाहिए वध घट टाइम चलता रहिंदा कई वारी अप कई वारी डाउन एडी गल नहीं मोर्चे दे नाल खलोते हां असीं 7-7.5 साल हो गए ने सानू नाल तुरे फिरदिआं नूं सो मैं सारी संगत नूं अपील करूंगा आपां नूं गज वज के नाल रहना चाहिदा है ते इन्हां लीडरां ने जिन्हां ने इत्थे आके झूठ मारन इन्हां दा विरोध करना चाहिदा है सो मैं इन्ना कहिंदा सारी संगत दा धन्नवाद करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की